गले का डिज़ाइन बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम इस पेपर पेस्टिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए गला का नाप ले लेते हैं। गले की चौड़ाई है 1.75 इंच और ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है डिज़ाइन के लिए। इसकी डीप है 7 इंच। इस तरह से नीचे भी चौड़ाई का निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद इसे हम लोग स्क्वायर शेप दे देंगे। एक सीधा सीधा निशान लगा लेंगे पूरा, और इस हिस्से में भी 1 इंच का निशान सीधा मार लें। ये हम लोगों का पान शेप ड्राइंग करेंगे इस पर, क्योंकि हम लोगों का पान गला है। अब इसे काटने के बाद ये जो हमने 1 इंच का अलग से निशान लगाया है उसे भी काट देंगे इसी पान शेप में। तो ये देखिए हम लोगों का ये गला जो है कट गया है। चलिए अब इसे खोल कर देखेंगे। तो ये हम लोगों का ओरिजिनल गला है। ओरिजिनल मतलब जो बाहरी हिस्सा है ये, और ये अंदर का जिस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे ये। चलिए इसे अभी हम लोग साइड पर रखते हैं। पहले इसे इसकी मार्जिंग हम छाट लेंगे, 1/2 इंच की मार्जिंग रख कर बाकी सारा इस तरह से काट लें। अब इस पेपर का हम लोग यूज़ करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये डिज़ाइन का जो पट्टी है इसे हम लोग इसके बराबर काट लेंगे, और इसके नीचे की तरफ हमने सिर्फ मार्जिन रखा है 1/2 इंच, ताकि ये दबाव में जा सके। अब देखिए ये गला हमने पाइपिंग के ज़रिए बना लिया हमने। इस तरह से पाइपिंग लगाकर आप ये गला बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग डिज़ाइन का शुरुआत करेंगे इसमें। तो ये देखिए सेम कपड़ा का हमने पट्टी बनाना है, करीब 300 चौड़ा। इस तरह से 300 चौड़ाई पर सिलाई लगा लें। तो ये देखिए सिलाई लगाया हमने, इतना चौड़ा दिखेगा। अब इसकी मार्जिंग काटने के बाद आप इसे सिंपली पलटा लें। ये देखिए हमने 3-4 लूप करीब पलटा कर रखे हैं इसकी डिज़ाइन में यूज़ होने के लिए, और इस तरह से 2-2 इंच पर इसे काट लें। इसे काटने के बाद अब हम लोग गले का जो हमने गला बनाया है उस पर लगाएंगे। तो ध्यान रहे ये चीज़ हमने इसे 1.5 इंच के नीचे पर लगाया है, यहाँ से 1.5 इंच। पहला लूप हम गले के नीचे 1.5 इंच पर लगाएंगे, उसके बाद हर एक लूप को 1.5-1.5 इंच का गैप देकर इसे लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरह से ये हमने लगाया है। इस तरह से आप एक एक कर सभी लूप को अटैच कर ले इसमें। ये देखिए इस तरह से ये दिखेगा कुछ। तो हमने ये इसे पूरा लगा लिया है। अब इसके नीचे हम लोग पेपर लगाएंगे जो हमने डिज़ाइन के लिए काटा था। ये इसलिए क्योंकि इसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनाने में थोड़ा आराम होगा, तो इसे हम पहले कच्चा सिलाई से अटैच कर लेंगे पूरा। ये सिलाई हम बाद में खोल भी देंगे, ये सिर्फ कच्चा सिलाई है। तो अब देखिए ये डिज़ाइन हमने इस तरह से पेपर के अंदर इस तरह से सामने सामने नहीं रखा है, थोड़ा सा गैप है, एक लूप के बीच में है ये 2 लूप। तो इसी तरह से ध्यान रखते हुए ये 2 लूप के बीच में हमें ये 1 लूप को रखना है, हर एक लूप को इस तरह से पूरे गले में हमने इस तरह से लगा लिया है। अब इसकी मार्जिंग जो है पेपर के बराबर इस तरह से काट लें। अब इसे काटने के बाद इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे गले में। उसके लिए हमने इसे यूज़ कपड़ा इस उड़ेप कपड़े को यूज़ करना है। तो इसे हम उल्टे साइड से लगाएंगे इस तरह, और जितना भी पाइपिंग की चौड़ाई हमें चाहिए उतना ही हम इस पर सिलाई लगा लेंगे पूरे गले में इस तरह से, और फिर इसे सीधे तरफ लाकर इस तरह से हम इसके लब पर सिलाई मार देंगे। इस सिलाई थोड़ा फिनिशिंग से मारेंगे आप,
तभी ये डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ये सिलाई मारने के बाद हम लोगों का ये डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखेगा। अब हमने ये डोरी पलटा कर रखा है, देख सकते हैं आप। अब इस डोरी को हम इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरह से हम इस डोरी को पूरा पहना लेंगे पूरे गले में। ये देखिए इस तरह से पूरे गले में हमें पहना लेना है एक एक करके। तो ये देखिए हम लोगों का गला इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर हम एक लूप लगाने वाले हैं, ये कुछ इस शेप में देंगे यहाँ पर एक, ताकि ये खाली ना दिखे। इस तरह से एक लूप हम फिट कर देंगे यहाँ पर। चलिए उससे पहले पेपर को साफ़ कर लेते हैं यहाँ पर। फिर निकालने के बाद वो लूप लगा लें, उसके बाद ये गला हम लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने ये देखिए ये लूप लगा लिया है, बस ये डिज़ाइन इस तरह से रेडी हो जाएगा।